हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी फाइव ओरिजिनल की मूवी सिया देख के ख़त्म करी है। और सच बताऊँ, मुझे ये मूवी पसंद आई है। ऑल दो इस मूवी का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है ना कि मतलब पर्सनली मेरा इस वीडियो को भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सच में यार जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह का इम्पैक्ट इस स्टोरी का वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कहानी की बात करूँ तो ये कहानी सिया नाम की एक लड़की की, जो कि 17 साल की रहती है और उसका रेप हो जाता है, और वो अपने न्याय के लिए लड़ना चाहती है, और किस तरह से उसको बाधाएं आती हैं और वो किस तरह से सारी चीज़ों को ओवरकम करके अपने लिए न्याय पाती है। यही सब इस मूवी की कहानी है। बोल मैं काफ़ी स्लो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो रही है। मैंने जस्ट ये मूवी देख के ख़त्म करा है, और सच में मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था। एक साइड तो मैं बहुत ज़्यादा मन था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी मन था कि यार इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा हार्ड हिटिंग मूवी देखने के बाद मेरा पर्सनली मन नहीं हो रहा था, क्योंकि सच में पर्सनली मुझे मूवी पसंद आई है यार। क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टेब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि ये सारे कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, सिया के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो किस तरह की फैमिली से आती है, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही है, अब इन सब की लाइफ में कितना कुछ बदल चुका है, किस तरह की चीज़ें इन सब के साथ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें देखकर मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना, वो भी काफ़ी इंपैक्टफुल रहते हैं, हर एक ट्विस्ट पे इंपैक्ट आने में कामयाब रहता है। इसी कारण से हम हर एक ट्विस्ट के साथ इस सीरीज़ में थोड़ा और इन्वेस्ट होते चले आते हैं। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनेमिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हम सभी कैरेक्टर्स के साथ ठीक ठाक कनेक्ट हो जाते हैं, और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनेमिक्स थे वो भी पर्सनली मुझे पसंद आए हैं। जहाँ तक बात है इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो मूवी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, स्टिल वो सारी चीज़ें काफ़ी आराम से इग्नोर हो जाती हैं। इसी कारण से इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का पर्सनली मुझे पसंद आया, सभी को स्क्रीन पर देखने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया है ना सभी कैरेक्टर्स को, और जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर पोर्ट्रे करा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा और रियलिस्टिक होना चाहिए था, बाकी ओवरऑल अच्छा है। एडिटिंग पर्सनली मुझे पसंद आई है, और इस मूवी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो इसकी एडिटिंग है, क्योंकि एडिटिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। इसी कारण से जो इस पॉइंट पे इम्पैक्ट डलना चाहिए था वो डलता है, जिस पॉइंट पे इस मूवी का पेस हमें समझ आना चाहिए था वो आता है। इसी के कारण से एडिटर की पर्सनली मैं तारीफ करूँगा। जहाँ तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक है, तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक अच्छी मूवी है जिसे आपको देखना चाहिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, मज़े से ज़्यादा ये मूवी आप पे एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।